हेलो माय डियर वंस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंडर कम से कम 80 बीमारियां आती हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, MS, AS, ये सब बहुत ही कॉमन हो गया है। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में फ़र्क क्या है, हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। तो फंक्शनल मेडिसिन में डिजीज़ कुछ 4-5 वजह से होती है, टॉक्सिन्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, और आपकी पुअर डाइट, एलर्जेंस। लेकिन डिसऑर्डर क्या चीज़ है? डिसऑर्डर वो चीज़ है जब हमारी बॉडी एबनॉर्मली फंक्शन करने लगती है। डिसऑर्डर एक तरीके का सुसाइडल गोल होता है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आप ही के टिश्यूज़ को, अपने ही टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अटैक कर रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और उसमें से एक होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हॉर्मोन्स सिक्रेट करता है, हॉर्मोन्स का रिसाव होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी को किस टाइम पर किस ऑर्गन को कौन सा फंक्शन करना है। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की रेख देख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूँ समझिए कि जैसे किस ऑर्गन को किस वक्त क्या काम करना है, ये एड्रेनल ग्लैंड्स डिसाइड करता है, उसके हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई ख़तरा आया, या मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया। अब यहाँ पर दो ही सिनेरियो आते हैं कि फाइट और फ्लाइट, या तो आप भाग जाइए या आप शेर से लड़िए। तो ऐसे में क्या होता है? तो अब ये जो फाइट और फ्लाइट मोड का जो सिग्नल है ये कौन देता है? ये देता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है उस टाइम पर ऐसे हॉर्मोन सिक्रीट करता है जो हमारा माइंड मेकअप करवाता है कि अब इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। तो जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड हमारी बॉडी में ऑन होता है तो बाकी के सारे ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो शट डाउन हो जाते हैं, और हम पूरी ताकत उसी चीज़ पे लगा देते हैं जिस चीज़ के लिए हमारा फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हुआ है। तो जैसे ही ये फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है और जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज करता है, तो पूरी तरह से बाकी के ऑर्गन्स शट डाउन हो जाते हैं और पूरा का पूरा फोकस उसी चीज़ पे रहता है जो उस टाइम पर जिस चीज़ ने इस फाइट और फ्लाइट मोड को ट्रिगर किया है। तो ऐसा जो सिनेरियो है शेर का सामने आ जाना, ये कभी कभी केवमैन के साथ हुआ करता होगा, लेकिन आजकल के सिनेरियो क्या है, आजकल मॉडर्न टाइम्स में सुबह उठते ही आपका बहुत सारे लोगों का ये फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि बहुत इमरजेंसी है, कोई ख़तरा है, रिएक्टिव नेचर होना और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। हालांकि मेडिकल साइंस जो है वो एसर्टेन नहीं कर पाई है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रीज़न क्या है, लेकिन हम लोग हर रोज़ अपने पेशेंट से जो बात करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन आवर पेशेंट्स। सोचिए अगर केवमैन के साथ भी ऐसा होता कि हर रोज़ उसके सामने शेर आ रहा होता और उसका फ्लाइट और फ्लाइट मोड रोज़ ही एक्टिवेट हो रहा होता, तो न जाने वो कितने डिसऑर्डर्स का शिकार हो चुका होता। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम लोग अपनी भौतिक नीड्स, हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी हम बढ़ा चुके हैं कि हम अपने बॉडी के हेल्थ को डाउन करते जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस का क्या कहना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में कि देयर इज़ नो क्योर, इसका कोई इलाज ही नहीं है। वो लोग उस आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे देते हैं और पेन को कम करने के लिए आपको पेन किलर्स दे देते हैं, लेकिन जो आपकी सिचुएशन है वो बीमारी तो वहीं की वहीं है, वो तो नहीं जा रही है,
तो वो कैसे जाएंगी, वो चीज़ें हमारे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हम काम कर सकते हैं अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर, ताकि ये जो ऑटो इम्यूनिटी स्विच ऑन हुआ है ये ऑफ़ हो जाए। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि आपके ल्यूपस हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस या कोई भी रूमेटाइड डिजीज़, ल्यूपस हो गया, MS, AS, लिगामेंट की डिजीज़, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं ये बॉडी में अंदर से ही जनरेट हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बॉडी में ही जन्मे हैं। तो ये चीज़ हमको खुद ही, इस चीज़ को बॉडी ही ठीक करेगी। जब हम अपने माइंड और बॉडी पे काम करेंगे तो ही ये डिसऑर्डर्स जो हैं इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी ने ही जनरेट की हैं। अब इसमें आप सबसे पहले तो योग की हेल्प ले सकते हैं। योग से होगा क्या, आपका जो माइंड है वो बहुत ही शांत होगा और आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा, जो कि आपके माइंड को काम करेगा और उसके साथ जो है आपके फ्लेयर्स आने जो हैं वो फ्रिक्वेंटली बंद हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू कॉम्बैट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इज़ योर गट हेल्थ। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इंटेस्टिनल परमिबिलिटी, यानी कि अगर हम आम भाषा में बात करें तो लीकी गट अगर हो तो भी इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं डिवेलप हो सकते हैं। तो जो लीकी गट है उसका मतलब अगर मैं सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे गट में टाइट जंक्शंस जैसे कुछ एंट्रोसाइट्स होते हैं, और उससे क्या होता है कि दैट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स टू गो इन टू द ब्लड स्ट्रीम। तो जब ये परमेबिलिटी आ जाती है इंटेस्टाइन्स में तो क्या होता है कि कुछ अनवांटेड फूड पार्टिकल्स या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि बॉडी ट्रीट्स इट एज अ फॉरन सब्सटेंस, कि कुछ बाहर की चीज़ आई है और बॉडी जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट करती है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, और इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं कि जैसे कोई रैश आ गया या फिर इस तरह के सिम्टम्स आए और आपको पेन्स हो गए बोन्स में या जॉइंट्स में। तो इस गट हेल्थ को फिक्स करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गट हेल्थ को आप सबसे पहले एलिमिनेशन डाइट से फिक्स कर सकते हैं, कि जिस तरह की डाइट हमारे गट के परमिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जैसे लीकी गट को कौन सी चीज़ें एग्रेवेट करेंगी, उस चीज़ को अपने डाइट से एलिमिनेट करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बहुत ही कॉमन जो कल्प्रिट्स हैं उसमें आते हैं आपके ग्रेन्स, जो कि खासकर जो ग्लूटन वाले ग्रेन्स होते हैं वो, और आपकी डेयरी यानी कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, वेरी हाई रिफाइंड शुगर, आपके रिफाइंड ऑयल्स और आपका रिफाइंड सॉल्ट, और नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और जो इम्यून डिसऑर्डर्स में एनिमल प्रोटीन जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने में ही सेंसिबिलिटी है। विटामिन डी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी जो है अगर आप वो ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, चेक में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फ़िश खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आपको एनिमल प्रोटीन से दूर रहना है। तो कोई अच्छी क्वालिटी का आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके किचन में जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत रिच हैं, जैसे आपके चिया सीड्स हैं, आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, पर इनको लेने का एक तरीका होता है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब जो आपका लीकी गट है उसकी हीलिंग को स्पीड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ अमाइनो एसिड्स अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। जब आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं फॉर स्पेशली फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो आपकी जो ये लीकी गट सिंड्रोम है ये हीलिंग जल्दी से होती है। जैसे कि एल ग्लूटामाइन एक अच्छा अमाइनो एसिड है जो कि स्पीड अप करता है गट की परमिबिलिटी को हील करता है, और साथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपके
गट की हीलिंग को स्पीड अप करता है। और डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2:1, यानी कि फैट एंड प्रोटीन का 2:1 एक रिस्पेक्टिवली एक पूरा प्लान होता है जो हम एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्लान डिवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लोग बनाते हैं उनके डिसऑर्डर के हिसाब से। तो हमने देखा है कि डाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, जिससे कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो 4 to 6 weeks में बहुत ही कम हो जाते हैं, और जो उनके फ्लेयर्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ हर्ब्स हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को डाउन लाने के लिए बहुत मदद करती हैं, जैसे कि एलोवेरा के कुछ चंक्स खाली पेट लेना, या फिर मेथी दाना भिगो कर या फिर उसे स्प्राउट करके भी लिया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी इन्फ्लेमेशन को डाउन लाने में। सो इन दी नटशेल आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक तो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लड़ने के लिए, और क्लीन ईटिंग हैबिट्स। बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपना खाना खुद ग्रो कर सकें, अगर आपके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है आप उसमें कुछ हर्ब्स ग्रो कर सकें, जिसमें आप इंश्योर्ड हो कि हाँ इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में सब कुछ ही पेस्टिसाइड लेस्ड मिलता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ऑथेंटिक फूड फ्रॉम आउटसाइड। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपनी क्लीन ईटिंग हैबिट्स रखें, एनिमल प्रोटीन से दूर रहें, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, इन्फ्लेमेटरी फूड से दूर रहें, और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अच्छे से करते रहें। आज के लिए हम इतना ही बता पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू कवर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कैसे बचें, आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।